After you. Congratulations, sir. Congratulations, ma'am. Please. आप हमारे रेस्टोरेंट में आने वाले हंड्रेड कपल हैं और हमारे रेस्टोरेंट को ओपन हुए सिर्फ 10 दिन हुए हैं. हमने पहले से ही सोच रखा था कि हमारे रेस्टोरेंट में आने वाले 100 कपल को हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे. So, let me guess. Boyfriend, girlfriend? No, husband wife. Oh wow, ये तो और भी better है. Please come with me sir, please come with me ma'am. आज के special couple को उनके special table पर ले जाती हूँ मैं. Thank you. Please come. Please have a seat sir. Ma'am, have a seat. Please. Thank you. You both make a beautiful couple. Ma'am, please have a look at the menu. ये मेन्यू हमने खास आपके लिए बनवाया है, हमारे 100 कपल के लिए, ताकि आपका ये स्पेशल डेट और भी रोमांटिक हो सके. Have a look. ये ड्रिंक और ये स्टार्टर्स हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री हैं. हैव अ गुड टाइम. थैंक यू सो मच. प्लीज एंजॉय. हैव अ गुड टाइम. थैंक यू. देखो ये सब मैंने कुछ प्लान नहीं किया. ओके तुम प्लीज गलत मत समझना, ये कोई रोमांटिक डेट वेट नहीं है. हाँ ऑब्वियसली आप मुझे रोमांटिक डेट पे क्यों लेकर आओ? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे डिनर पे क्यों लेकर आए हो सर. कोई कांड हो गया क्या? या आपने कुछ गलत किया होगा या तो मैंने कुछ गलत किया. मेरी गलती है, क्या हुआ बताइए. क्या बोल रही हो तुम? कांड? कौन सा कांड? कांड होना कोई जरूरी है? सर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप ना बहुत बड़े वाले चिड़के हैं, जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी और अकेले में डांटना चाहते हो उसके यहाँ पर लेकर आ गए. खैर आप पहले डांट दो, बाद में हम खाना खाएंगे. लेकिन सीधे सीधे मुद्दे की बात करना. ठीक है मैं चिड़किया हूँ ना. ठीक है फिर मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ. मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ. थैंक्स बोलने के लिए आप यहाँ पर लेकर आए मुझे? कौन सी भाषा में तुम्हें समझाऊं तब जाकर तुम्हें यकीन होगा